लोहरदगा में राजधानी एक्सप्रेस की ठहराव की मांग लंबे समय से चल रही थी। ऐसे में नियमित रूप से अधिकारियों का निरीक्षण लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है। इसी क्रम में फिर एक बार रांची रेल मंडल के DRM प्रदीप गुप्ता ने अधिकारियों के साथ लोहरदगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है और साथ ही साथ कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। DRM प्रदीप गुप्ता ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर ही विभिन्न रेलवे स्टेशनों में विकास का कार्य चल रहा है। रांची से लोहरदगा और लोहरदगा से टोरी के बीच में विभिन्न रेलवे स्टेशन में निर्माण कार्य जारी है। अलग अलग रेलवे स्टेशन में लूप लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि राजधानी ट्रेन के परिचालन के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। इसके अलावा यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि दूसरी ट्रेनों के परिचालन के दौरान भी लूप लाइन की कमी की वजह से ट्रेनों के परिचालन में देरी न हो। उन्होंने कहा कि जून 2023 तक लोहरदगा रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव लोहरदगा रेलवे स्टेशन में सुनिश्चित हो जाएगा। प्लेटफॉर्म और FOB का काम कंप्लीट होगा तब राजधानी का ठहराव। इस समय अवधि तय हुआ है तो जून तक हो जाएगा। जून तक तैयार हो जाएगा। और कोई नई ट्रेन सर इस रूट से? नई ट्रेन तो चलाई ना 54 अभी, इसके अलावा और अभी आगे भी चलेगी। अब ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम, प्लेटफॉर्म बन जाएगा उसके बाद सभी हम पिस्का से लेके और बुढ़ा ग्राम तक सभी जगह हमारे दो दो लाइन के स्टेशन हैं, सबको हम तीन लाइन का स्टेशन कर रहे हैं, जिससे लूप मिलेगी एक्स्ट्रा, तभी ट्रेनों का आवागमन सुविधाजनक होगा। अदरवाइज सब गाड़ियां फिर चालू कर देंगे, सब गाड़ियां लेट चलेंगी फिर। तो ये काम इसीलिए लिया गया है कि जैसे जैसे हम प्लेट लाइनें बनाते जाएंगे तो ट्रेन इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। सर लोकल मेमो ट्रेन में बोगी बढ़ाने की बात हुई थी, कब तक वो भी काम चल रहा है? देखा होगा आपने, थोड़ा प्लेटफॉर्म एक दो जगह जहाँ कम थे उनको बढ़ाया जा रहा है, नागकोपी में बढ़ाया जा रहा है, इधर ईदगाँव में भी बढ़ा दिया गया है। तो आई थिंक वो हो जाना चाहिए इसी साल में। न्यूज़ विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।